हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, आपका पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब आप लोगों से 20 नंबर का MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप लोगों का जो गद्यांश है और पद्यांश में भी चेंजिंग किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का चेंज किया गया है, और आज अगर जैसा बताऊंगा ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में हल करना, और इस वीडियो को देखने के बाद आप गद्यांश और पद्यांश चुटकियों में हल कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान आप लोगों को लगेगा गद्यांश और पद्यांश हल करना। ऐसे अगर आप लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तभी फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर या तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। देखो, सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ो। यहां लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, ठीक है, भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, जो भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। यहां जो अपने संस्कृति के बात की जा रही है, तो यहां भी बहुत संख्या, मतलब बहुत थोड़ी बहुत संख्या में पाई जाती है। और जिस तरह यहां की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, भारत में कई प्रकार की बोलियां होती हैं। अगर आप विदेश में जाओगे तो अगर अंग्रेज है तो अंग्रेजी ही बोलेंगे हर एक व्यक्ति, लेकिन इंडिया में कई तरह का, ठीक है, पंजाबी एंड हरियाणवी एंड आपका हिंदी में इंग्लिश तो है ही, ऐसा कई सारे भाषा हैं, लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी जगह जिस तरह यहाँ की बोलियां गिनती आसानी, उसी तरह से यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय भी गिनती आसानी है। उसी प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के व्यक्ति पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न धर्म, बहुत सारे धर्मों के व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ देखो, अब आपका अंडरलाइन आ गया, यहां से अंडरलाइन स्टार्ट है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी, कोई अपरिचित हो, ठीक है, तो घबरा कर यह कह उठेगा कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है। तो ये कह देगा कि ये देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बोलियां हैं एंड बहुत सारे धर्म हैं। ठीक है, तो ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब देखो, बोर्ड एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं लिखा रखा हूं। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, ये आप लोगों का 2 मार्क्स का आएगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या 2 मार्क्स का आएगा, और प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में लेखक का क्या कहना है 2 मार्क्स का ये आएगा। देखो, पद्यांश में आपका चेंजिंग किया गया है, गद्यांश में लगभग वैसे ही पूछा जाता है। ठीक है, देख सकते हो कोई चेंजिंग नहीं है ना, लेकिन आप लोग ये वाला गद्यांश जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो संदर्भ आप लोग हेडिंग डाल लो और ब्लैक पेन से, ठीक है, एंड आप लोग ब्लू पेन उठाओ। और ये किस चैप्टर से लिया गया है, किसी स्टूडेंट को पता है कि नहीं पता, ये किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, पता है नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, मुझे पता है। तो वो है भारतीय संस्कृति, किस चैप्टर से है, भारतीय संस्कृति, और जिसके लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहां आप लोग संदर्भ कैसे लिखोगे, सही तरीका लिखने का, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डाल देना, फिर आप लोग लिखना प्रस्तुत गद्यांश, जो हमारा एक गद्यांश है ना, तो प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी है, हिंदी को आप ब्लैक से लिखना है। ठीक है, हिंदी, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के कौन से खंड है, हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ठीक है, अब ये गद्य खंड है ना, में संकलित, अब इसके लेखक कौन है हमें ये बताओ, जो लेखक हैं, और पाठ का नाम ब्लैक से लिखना, इतना याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। ठीक है, ऐसा लिखना बोर्ड एग्जाम में, एक भी नंबर नहीं कटेगा। द्वारा लिखित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित,
ठीक है लिखित। अब ये जो चैप्टर का नाम है वो क्या है स्टूडेंट, वो है भारतीय संस्कृति। क्या है? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से, नामक ये निबंध है, ठीक है, पाठ भी लिख सकते हो, नामक निबंध, देखो नामक निबंध से अवतरित है या लिया गया है या उद्गृत है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, तीनों में से कुछ भी। तो मैं लिख देता हूं नामक निबंध से लिया गया है, तो इसी तरह से आप लोगों को हर एक का संदर्भ लिखना है, ठीक है। लाइक अगर आपका चैप्टर का नाम बदल दो और लेखक का नाम बदल दो, फिर आप लोगों का वही चीजें हैं जो मैंने लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। लाइक अगर आपका जयशंकर प्रसाद जी का है तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आपका क्या है ममता चैप्टर है ना, ममता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। ऐसा करके आप हर एक संदर्भ का चैप्टर, जो भी चैप्टर है सभी का संदर्भ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करी जाती है, तो सबसे पहले आप जितना रेखांकित अंश है उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, बिना मन की नहीं, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। लिखा हुआ इन विभिन्नताओं को देखकर, जो इतनी बड़ी विभिन्नता है, विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, और इस विभिन्नताओं को देखकर, ठीक है, कोई अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठेगा कि यह देश नहीं बल्कि एक देशों का समूह, अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, और तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। अगर आप गहराई से किसी चीज को नहीं देखोगे तो आपको विभिन्नता ही देखने को आएगी, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो रेखांकित अंश देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर, जो भारत भूमि की विभिन्नताएं हैं उनको देखकर दूसरे देश के वासी, जो इस देश से अपरिचित हैं, जो इसको नहीं जानते हैं उस देश के, ठीक है, तो दूसरे देश के वासी जो हैं अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहां के मौलिक स्वरूप से देखो अभिनत है या फिर अपरिचित है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, घबरा मतलब अपरिचित है, घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं क्या कि भारत तो एक देश नहीं अपितु यह तो अनेक देशों का समूह है। भारत एक देश नहीं है, यह अनेक देशों का समूह है, और यहां के निवासी एक भी किसी जाति के नहीं है, एक ही जाति के नहीं है या एक भी किसी जाति के नहीं है, अपितु विभिन्न भिन्न भिन्न जाति के हैं, भिन्न भिन्न जाति हैं, बहुत सारे जाति हैं, और दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है। अगर आप आश्चर्य में हो तो भी मतलब आप आश्चर्य में नहीं रहोगे, क्योंकि ये सही बात है, ठीक है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ऊपर ही ऊपर अर्थात सतही, जो ऊपर की सतह है ना, दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते हैं, निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। जो अपरिचित हैं वो केवल ऊपर से देखेंगे, ऐसा तो नहीं कि 10-20 साल रहकर आपकी गहराई को समझेंगे, नहीं, वो ऊपर से देखेंगे और आश्चर्य से आप यही कह देंगे कि ये देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, ये जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, ठीक है। तो ये है हमारा गद्यांश और पद्यांश। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है जो कि 2 मार्क्स का रहेगा। लिखा है प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक का क्या कहना है, लेखक आपको क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, तो लेखक इसमें एक बात कहना चाहता है, वो क्या है, देखो प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक जो भारत की भूमि की विविधता, जो विभिन्नता है, विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन किया है, जो उसकी विभिन्नता है उसका बहुत ही धनात्मक पॉजिटिव एंड हमारा से वर्णन किया सार्थक, इससे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना को झलकती है। इससे जो है ना, लेखक को अपने देश और देश की संस्कृति के प्रेम के प्रति भावना जागृत होती है, ठीक है। तो बस अगर आप इतना कर दोगे गद्यांश में तो आपको 6 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहां मैं लिख दूं ना 6 मार्क्स पक्का, अगर ये वाला गद्यांश आएगा तो आपका पक्का हो जाएगा ना। तो चलो फिर और भी गद्यांश मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये सबसे अच्छा गद्यांश, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया, इससे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं पद्यांश।
ठीक है। तो अब हमारा आ चुका है पद्यांश, जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन इसमें आप लोगों का चेंजेस किया गया है, चेंज किया गया है थोड़ा सा, जो समझना जरूरी है। देखो अब मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश बता रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि बढ़त बढ़त संपत सलिलु, जो बढ़त बढ़त संपत सलिलु मन सरोज बढ़ी जाए, और घटत घटत सूना फिर घटे वर समूल कहलाए। अब आप देखो यहां 3 क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछा जाएगा, जैसा कि नंबर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, प्रस्तुत दोहे की संदर्भ और हिंदी अनुवाद, साथ में पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, ठीक है, साथ में, ठीक है। एंड फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया। इस पद्यांश में आप बताओ कि कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है, आखिर क्यों कमल का उदाहरण लिया है, और संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है। ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आपकी बार आएंगे, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को इसका आंसर लिखोगे आपको नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टूडेंट संदर्भ, संदर्भ लिखना सीखो, फिर और भी सीखते रहो, ठीक है, प्रसंग संदर्भ व्याख्या ये मेन है और आप सीखते रहना। देखो प्रस्तुत दोहा, जो हमारा ये दोहा दिया हुआ है, ये जो है ना, ये नीति, भक्ति नीति चैप्टर से भक्ति नीति, लेकिन भक्ति अलग है, नीति अलग है, दो अलग अलग शीर्षक हैं, ठीक है, और जिसके लेखक एक ही हैं, बिहारी लाल जी कवि हैं, रचयिता हैं, कविवर हैं, ठीक है, बिहारी लाल जी, और इसके हमारे जो है ना नीति शीर्षक से लिया गया है। तो फिर कैसे लिखोगे, संदर्भ राइडिंग डाल देना अच्छे से ब्लैक से, और लिखना प्रस्तुत दोहा, जो ये हमारा प्रस्तुत जो दिया हुआ है ना, प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल, कविवर, अब बिहारी लाल इसके कवि हैं तो उसको ब्लैक से लिखना, ठीक है, इतना आप पॉइंट याद रखना, बिहारी लाल, और जैसा बता रहा हूं ऐसे ही लिखना, बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, द्वारा रचित। अब आप लोग देखो यहां एक इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब वो है रचना, बिहारी सप्तशती, नाम सुना होगा, बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई से हमारी, से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के, इसको ब्लैक से कर देना, हिंदी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं। देखो ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कि ये काव्य खंड या फिर आप पद्य खंड कह सकते हो, ठीक है, काव्य खंड, ठीक है, में संकलित, में संकलित। अब आप लोगों का एक नीति है ना, नीति एक शीर्षक है, तो यहां पहले नीति को ब्लैक से कर देना, नीति शीर्षक से उद्गृत है, ठीक है, बस ये आपका हो गया संदर्भ, 2 मार्क्स आपको तुरंत मिल गया संदर्भ में, ठीक है। अब आप लोग प्रसंग देखो, प्रस्तुत दोहे में कवि के धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। जब आपका धन बढ़ जाता है, लाइक इज आपके पास अर्निंग सोर्स ज्यादा हो जाते हैं, आपके पास धन हो जाता है, तो फिर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इसमें बताया गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो क्या कहा है कवि ने, कि कवि का कहना है या कवि का कथन है कि धन रूपी जल, जैसे जो धन रूपी जल है बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। जैसे हमारा धन अगर बढ़ता जाएगा तो हमारा मन भी बढ़ता चला जाएगा, जैसे अगर तालाब में ज्यादा पानी हो जाता है तो कमल जो है ना वैसे बढ़ता रहता है, ठीक है, ताकि वो ऊपर रहे, दिखे, खिला रहे। तो वही कहा जा रहा है, कवि का कथन है कि धन रूपी जल बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु जब धन रूपी जल जो है घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। जैसे अगर आपके पास पैसे बहुत हो गए, फिर आपका मन बढ़ गया, फिर आपके पैसे खत्म हो गए, फिर भी आपका मन नहीं कम हुआ, आप क्या किया कि आपको वही चीजें चाहिए जो पहले चाहिए थी, ठीक है। तो वही कहा गया है कि मतलब घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है, अपितु जो हमारे धन जायदाद ये सब होते हैं नष्ट हो जाते हैं, परंतु, ठीक है,
अर्थात धन के बढ़ जाने के साथ साथ इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने के साथ साथ इच्छाएं नहीं घटती हैं, तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है। ठीक है, आसान लगा? आयोग की आसान बहुत ज्यादा लगा होगा क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, दो क्वेश्चन और है ना इसमें। पहला, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है, ये हमारा दूसरा वाला है। तो कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है बता दें। देखो, कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रण करना चाहिए, अन्यथा धन ना रहने पर बहुत कष्ट होगा। अगर हम ये लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, तो चलो मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, तब आंसर में यही लिख देना कि कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ जाने के साथ मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन ना रहने पर बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी एक और क्वेश्चन है, वो है संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है, संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है। तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, यहां मैं लिख दूंगा, जगह नहीं है नीचे, तो यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है, वो हमारा है, देखो यहां संपत्ति सलिल दो बार सा सा आया है ना, मतलब एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, दो बार हुई है, कई बार कह सकते हो, तो इसलिए ये हमारा जो होगा वो कौन सा अलंकार होगा, वो हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है स्टूडेंट? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये है आज के हमारे गद्यांश पद्यांश। देखो पद्यांश में चेंजिंग हुआ है, अगर आप अगले साल का देखोगे तो फिर आपको चेंज लगेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तब। तो ये हमारा गद्यांश और पद्यांश। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इसमें मैंने आप लोगों को गद्यांश भी बता दिया, पद्यांश भी बता दिया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।